इस हफ्ते ना दो फिल्में रिलीज हुई है, भूलभुलैया 2 जो कि सीक्वल है अक्षय कुमार स्टारर भूलभुलैया की, उसमें विद्या बालन भी थी, और ये भूलभुलैया 2 में आर्यन कार्तिक आर्यन है और क्यारा आडवाणी है, और इसको सजोया और पिरोया है निर्देशक अनीस बज्मी जी ने। अनीस बज्मी जी तो जैसे कि निर्देशक हम सालों वर्षों से जानते हैं कि वो स्पॉन्टेनियसली डायरेक्ट करते हैं, और वो उनका स्पॉन्टेनियस डायलॉग और डायरेक्शन वो नज़र आता है। खैर आइए हम फिल्म की बात करते हैं। कहानी बहुत ही अच्छी है, थोड़ी मिलती जुलती है, मंजुलिका भी है इसमें। कहानी मैं आपको पूरी बताऊँगी नहीं, लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए ना, बहुत ही मज़ेदार आए हैं, बहुत ही बढ़िया उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे हैं। किस तरह क्या नयापन लाया ये तो आपको जाके फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और ज़ोरदार फिल्म है ये। इस चलते हुए दौर की, जबकि सारी फिल्में बॉलीवुड की फ्लॉप हो रही हैं, ये एक फिल्म है जो हिट होने वाली है। ये आउटसाइडर है अपना आर्यन, कार्तिक आर्यन। डू रिमेम्बर कि बहुत सारी फिल्में आई, अक्षय की फिल्म आई, अजय की फिल्म अच्छी चली, खैर और भी दूसरी आई अपना जयेश भाई जोरदार, जो बिल्कुल ही ज़ोरदार नहीं, हालांकि कमज़ोर लगे, लगता है कि उनका समय अब ख़त्म हो गया जयेश भाई का, कि फिल्म बिल्कुल इतनी बिल्कुल ही वो थी। खैर कमिंग बैक टू भूलभुलैया 2, कार्तिक आर्यन बीइंग एन आउटसाइडर ही हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, एंड द डायरेक्शन दैट अनीस बज्मी हैज गिवन, इट इज सच अ स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन दैट एवरी वन एंजॉयड। वी वॉच द फिल्म विद द ऑडियंसेज एंड दे वर लिटरली क्लैपिंग एंड लाफिंग अबाउट द फिल्म एंड द स्टोरी। खैर कहानी में बताऊँगी नहीं, गाने इसमें कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन जितना भी है अच्छा है। कार्तिक आर्यन ने तो जो नाचा है, क्लासिकल डांस किया है और बाकी सब किया है, ये फिल्म है वो भूलभुलैया 2। मैं आपको बता दूं जो टॉलीवुड की फिल्में जो बहुत अच्छा कर रही हैं बॉलीवुड में, और वो लोग हवा में उड़ रहे हैं ना, कई एक्टर्स नाम नहीं लूँगी, कहते हैं कि बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सो इगोइस्ट आई मस्ट टेल यू, वॉट डू मीन बाई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हमारी फिल्म, ये फिल्म इंडस्ट्री को इट विल अपलिफ्ट। और क्या जानना चाहते हैं, परफॉर्मेंस जहाँ से क्यारा आडवाणी का परफॉर्मेंस है कोई खास नहीं है, क्योंकि उसको ज़्यादा रोल ही नहीं दिया गया है, एंड जितना कुछ किया है उसने ठीक ठाक किया, थोड़ी सी और उसको परफॉर्मेंस कर सकती थी वो, पर लगता ऐसा है कि कुछ था नहीं। डायरेक्शन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, निकल के आ रहा है अनीस बज्मी का डायरेक्शन, इट इज़ लाइक अ कमबैक फिल्म फॉर हिम आई मस्ट टेल यू, बिकॉज ये कोविड के बाद पहली फिल्म होगी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म होगी जो सही मायने में हिट होगी। और क्या बताऊँ, डायलॉग्स भी इतने अच्छे पंचेज हैं डायलॉग्स की, हंसते हंसते सारे ऑडियंसिस की जान निकल गई। क्रिटिक्स का तो मैं जान कुछ बोल नहीं सकते, आई हैव इन्जॉयड बिकॉज व्हेन आई गो टू सी सच फिल्म्स, आई डोंट कीप माई हेड ऑन द शोल्डर्स, आई जस्ट इन्जॉय द फिल्म्स। और क्या पूछना चाहेंगे, इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 देना चाहूँगी। थैंक यू। अब आइए दूसरी फिल्म के